हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएस किचन। मैं हूँ शैली। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं कोंकण के कुछ एरियाज में गई थी और वहाँ मैंने एक बहुत ही यमी ड्रिंक ट्राई किया जिसका नाम होता है सोल कड़ी। महाराष्ट्र के बहुत सारे एरियाज में बनाई जाती है ये। सो आई थॉट टू ट्राई दिस इन माय किचन टुडे और मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज। बहुत ही डाइजेस्टिव होती है और इसका टेस्ट बहुत ऑसम होता है। ठंडी होती है, डाइजेस्टिव होती है और बनने में बहुत ही आसान होती है। तो चलिए ये देखते हैं कैसे बनाई जाती है महाराष्ट्र की स्पेशल डाइजेस्टिव रेसिपी सोल कड़ी। गाइस, सोल कड़ी बनाने के लिए हमारे को दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, विच इज कोकोनट। कोकोनट का हार्ड शेल निकाल करके ये सॉफ्ट वाला पार्ट उसका लिया है, पूरा एक नारियल है ये, और ये मेरे पास है कोकम की लीव्स। ये कोकम इज अ मैंगो ट्री जिसकी ये छाल होती है और ये हमें मार्केट में इजीली मिल जाती है, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सो नीड टू बाय वेट कोकम। सो ये वेट कोकम की लीव्स हैं। 8 से 10 कोकम की लीव्स को मैं गर्म पानी में भिगा दूंगी और इस नारियल को मैं बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लूंगी। सो मैं इसको ग्रेट करती हूँ इस तरह से। नारियल को बारीक ग्रेट करके इसमें मैं डालूंगी हॉट वाटर 1 कप जैसा। बेसिकली कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट करना है, सो उसके लिए इसको गर्म पानी में भिगाना बहुत ज़रूरी है। 1.5 से 1 घंटे तक हम इसको गर्म पानी में भिगाएंगे। और इसी तरह से मैंने कोकम भी भिगा दिया है, आप देख रहे हैं उसका कलर निकलना स्टार्ट हो गया है। गर्म पानी में भिगाया है इसको, इसको भी मैं 1.5 से 1 घंटे तक भिगा के रखूँगी पानी में। ये देखिए फ्रेंड्स, कोकम ने अपना कलर बहुत अच्छे तरीके से छोड़ दिया है, कोकम पेटल्स ने। इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से ही। आप इसका कलर देख पा रहे हैं, एकदम सुर्ख लाल रंग हो गया है इसका, ये देखिए। सो यही कलर हमें चाहिए। और ये हमारा कोकोनट जिसको मैंने पानी में भिगाया था, इसका मैं निकालूंगी अब मिल्क। सो मिल्क निकालने के लिए एक जार लूंगी मैं, उसमें इसको ऐड करूंगी। इस तरह से इसका ये मिल्क निकल गया है, इसको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। इसको ना हमें 2 से 3 बार इसका मिल्क निकालना रहेगा। फर्स्ट बैच में ये जो मिल्क निकला है, दिस इज थिक मिल्क, इसको और एक बार और निकालूंगी मैं इसका मिल्क। इसमें वापस से मैं डालूंगी 1 कप पानी, फिर से इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। इसे फिर से मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। एक बार इसको मैं और इसका मिल्क निकालूंगी। सो आई एम एडिंग अगेन दिस। वापस से इसमें डालूंगी मैं 1 कप पानी, फिर से मैंने इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, मिल्क एक्सट्रैक्ट। इसे मैं फिर से स्ट्रेन करूंगी। 3 बार में मैंने इसका सारा मिल्क एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारा मिल्क एक्सट्रैक्ट एकदम रेडी है। दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, यही हमें मिल्क की कंसिस्टेंसी चाहिए कोकोनट मिल्क की। इसको रखती हूँ मैं एक साइड में। इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, इसे मैं क्रश कर लूंगी। और ये डालूंगी मैं 2 हरी मिर्च तोड़ करके, इन्हें मुझे क्रश करना है, पीसना नहीं है। इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लीजिए। इस तरह से मैं एक बाउल लूंगी, इस बाउल पे मैं डालूंगी मिर्ची और लहसुन, क्रश किया हुआ मिर्ची और लहसुन,
अब मैं इसमें डालूंगी ये कोकम, इसमें मैं डालूंगी एक छोटा चम्मच नमक, नॉर्मल सॉल्ट है ये, एक छोटा चम्मच काला नमक, और मैं डालूंगी इसमें एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी सो दैट सॉल्ट्स अच्छे तरीके से इसमें डिजॉल्व हो जाएं। और मैं इसमें डाल दूंगी ये कोकोनट मिल्क, कैन यू सी द कलर, कितना प्यारा कलर आया है इसका। एट दिस टाइम मैं इसको रख दूंगी आधे घंटे के लिए फ्रिज में सो दैट सारे एक्सट्रैक्ट जो है लहसुन का, मिर्ची का, कोकम का, वो इसमें अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए, और उसके बाद हम इसको वापस से स्ट्रेन करेंगे एक बार। ठंडा होने के बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी दूसरे बोल में। और ऑन अ फाइनल नोट मैं एक बार स्ट्रेनर रख करके और कपड़ा रख करके इसको छान लूंगी सो दैट जो भी इसमें फाइबर्स होंगे या रेशे होंगे वो एकदम निकल जाएंगे सब और मुंह में नहीं आएंगे। अनडिजॉल्वेबल पार्टिकल्स होते हैं, देखिए इस तरह से ये सब निकल गया है और नीचे रह गया है सिर्फ हमारा यमी वाला सोल कड़ी विच इज एब्सोल्युटली रेडी टू सर्व। इसमें मैं डालूंगी, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको इंस्टेंट पी रहे हैं अभी तो इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स विच विल गिव अ वेरी नाइस फ्लेवर टू सोल कड़ी। और अगर हम इसको 8 से 10 दिन के लिए रख रहे हैं फ्रिज में या किसी बॉटल में भर के तो हम इसमें धनिया पत्ती सिर्फ उसी टाइम डालें जब हमें इसको कंज्यूम करना हो। सो गाइस हमारी ठंडी ठंडी सोल कड़ी बनकर एकदम तैयार है। सो फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार और यमी सोल कड़ी बनकर के एकदम तैयार है, बहुत हेल्दी होती है और बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव होती है ये। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियों में इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।